अभी तक जो हमने कर लिए चार सेंटेंसेस, वो लेसन एक से कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसमें एडिशनल चीज बता रहा हूं कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब जब गाते थे ना, तो खेलते थे स्वरों से, वो क्या करते थे सिर्फ वही जानते, और दूसरा कोई नहीं जान सका आज तक कि वो करते कैसे, क्या करते थे, मतलब कैसे होता था वो, पॉसिबल कैसे है। तो ऐसे अब हम ये सीख रहे हैं कि हमने ग्रामर से कैसे खेलना है। लेसन तो वो हमने कर लिया, किताबों में उतना ही मिलेगा, वो लेसन हमारा हो गया। अब हमने दूसरी चीजें इसमें मिक्स कैसे कर देनी है, कैसे इसको और ज्यादा हमने खेलना है। जैसे होता है ना, बॉल से ऐसे ऐसे खेलता है वो सर्कस में, इधर भी देख लेता है उधर भी देख लेता है, बॉल चलती रहती है वो खेलता है, ऐसे अब हम ग्रामर के स्किल्स से खेलेंगे। तो अगर मैं गायक होता तो मैं गाने गा रहा होता कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूअस आ गया इसमें। तो इफ आई वर अ सिंगर, अगर मैं गायक होता, इफ आई वर अ सिंगर, अब जो फोकस हमने करना है वो वुड वाले पार्ट में करना है। तो मैं गाने गाता, आई वुड सिंग सॉन्ग्स, लेकिन गा रहा होता कंटिन्यूअस जब आ जाएगा तो वुड बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग, आई वुड बी सिंगिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया। इफ आई वर अ सिंगर आई वुड बी सिंगिंग सॉन्ग्स। मैं लिखता, आई वुड राइट, और मैं लिख रहा होता आई वुड बी राइटिंग। मैं खाता आई वुड ईट, मैं खा रहा होता आई वुड बी ईटिंग। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं गायक होता तो मैं गाने गा चुका होता, तो आई वुड हैव संग सॉन्ग्स, मैं गाने गा चुका होता, आई वुड हैव संग सॉन्ग्स, थर्ड फॉर्म कंप्लीशन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मैं खा चुका होता आई वुड हैव ईटन। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट बोले, सर आप इस लेसन में इतना टाइम लगा दिया आपने, मैं होता तो अब तक पढ़ा चुका होता। सो इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड हैव टॉट, सो वुड हैव थर्ड फॉर्म, वो तो मैं भी पढ़ा सकता हूं 1 मिनट के अंदर पूरा लेसन। और आप ये नहीं बोलोगे कुछ छूट गया, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, वो जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो किताबी बात हो जाएगी, इजंट इट। तो अगर मैं गायक होता तो मैं गाने गा चुका होता, इफ आई वर अ सिंगर आई वुड हैव संग सॉन्ग्स, मैं लिख चुका होता आई वुड हैव रिटन, मैं आ चुका होता आई वुड हैव कम, मैं जा चुका होता आई वुड हैव गॉन। फिर इसी तरह से अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली सेंस आ गई, अगर मैं गायक होता तो मैं शुरुआत से गा रहा होता, इफ आई वर अ सिंगर आई वुड हैव बीन, वुड हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस स्टार्टिंग सिंस और फॉर, क्योंकि समय से और रहा होता आ गया। So would have been plus first form of the verb plus ing plus singular form. So I would have been singing since starting. मैं शुरुआत से खा रहा होता. I would have been eating since starting. मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा होता. I would have been teaching for 2 hours. मैं 15 मिनट से सो रहा होता. I would have been sleeping for 15 minutes. मैं शुरुआत से पूछ रहा होता. I would have been asking Since starting, ठीक है। अगर मैं ड्राइवर होता, ड्राइवर अच्छा नहीं लग रहा बोलने में ना, अगर मैं बादशाह होता, ठीक है, अगर मैं बादशाह होता तो मैं राज कर रहा होता, तो मैं शुरू से राज कर रहा होता। इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव बीन रूलिंग सिंस स्टार्टिंग, रूल का मतलब होता है राज करना। So I would have been ruling since starting. अगर मैं गलत होता तो मुझे गाने, सॉरी, अगर मैं गायक होता, ठीक है, अगर वो शादीशुदा आदमी को ना आदत पड़ जाती है बोलने की, हाँ मेरी गलती, हाँ मैं ही गलत हूँ, नहीं नहीं मैं ही गलत हूँ, सारी गलती मेरी है, ठीक है, तो वो इसलिए गलत गलत निकल आया, ठीक है। तो अगर मैं गायक होता तो मैं, मुझे गाने गाने पड़ते हैं। अब देखो, पढ़ते शब्द लगा के मजबूरी आ गई, लेसन क्या था ना पढ़ता है वाला, तो मजबूरी आ गई इसमें। अब मजबूरी हमने इसके अंदर मिक्स कर दी, वही जैसे नुसरत साहब उससे खेलते थे स्वरों से, हम लेसन से खेल रहे हैं, हम इमेजिनरी कंडीशन में भी मजबूरी डाल रहे हैं। ये कब निकलती है ये चीजें, जब आप मेहनत का कुआं खोदोगे तो ज्ञान का पानी निकलेगा, विचारोगे, ये होता है नॉलेज, कहते हैं ना बढ़ती रहती है अपने आप, वो ऐसे बढ़ती है विचार करने से, ध्यान ध्यान कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब देखो सेंटेंस है कि अगर मैं गायक होता तो मुझे गाने गाने पड़ते,
ठीक है। अब जैसे मान लो कोई गैंगस्टर बुला लेता कि भाई चल मेरी पार्टी है यहां पे गा, तो वहां पे मन तो होता नहीं, लेकिन क्या करूं भाई, पिस्टल रखता वो तो गाने गाने पड़ते, मजबूरी है। लेकिन कब गाने पड़ते, जब मैं गायब होता, अभी तो हूं नहीं, अभी तो बेसुरा आदमी हूं, ठीक है। तो अगर मैं गायब होता, इफ आई वर अ सिंगर, मुझे गाने गाने पड़ते।